हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैड करियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं फिर से हाजिर हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है कैड करियर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा कमांड बताने जा रहा हूं, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको यूज़ करके आप अपने ड्राइंग में जब डायमेंशन करेंगे तो अलग अलग जगह का डायमेंशन स्केल जो आप डायमेंशन करते हैं तो अलग अलग जगह का डायमेंशन स्केल जो है आप अलग अलग रख सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायमेंशन स्टाइल। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम ही है हाउ टू स्केल डायमेंशन विदाउट चेंजिंग डायमेंशन स्टाइल कमांड। हाउ टू स्केल डायमेंशन विदाउट चेंजिंग डायमेंशन स्टाइल कमांड, यानी जब आप ड्राइंग बनाते हैं और उसका डायमेंशन करते हैं तो आप क्या होता है, अलग अलग जगह का डायमेंशन जो होता है वो अलग अलग रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप कभी ऐसा होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट का डायमेंशन किया तो उसका वो दिखता नहीं है, पता नहीं चल पाता है कि कितना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, फिर से उसका डायमेंशन स्टाइल चेंज करते हैं और तब फिर डायमेंशन करते हैं। लेकिन अभी मैं जो वीडियो आपको इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कमांड आपको बताने जा रहा हूँ, उस कमांड की हेल्प से आपको डायमेंशन स्टाइल कमांड की ज़रूरत चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायमेंशन स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी डायमेंशन स्टाइल में रह करके अपने डायमेंशन स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डायमेंशन माइनस डायमेंशन स्टाइल कमांड। आज इस टॉपिक का नाम है माइनस डिम स्टाइल कमांड। इसी को डायमेंशन स्केल कमांड भी कहते हैं या फिर इसी को अपडेट कमांड भी कहते हैं। ये तीनों कमांड एक ही नाम से है। इस तीनों कमांड का काम भी एक ही है, डायमेंशन स्केल को बढ़ाना या घटाना विदाउट चेंजिंग डायमेंशन स्टाइल। ये कमांड जो है वो डायमेंशन मेन्यू का कमांड है। आप डायमेंशन मेन्यू में जा कर के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आप जो है एक ही डायमेंशन स्टाइल में अलग अलग डायमेंशन स्केल दिखा सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने दो रेक्टेंगल बनाया है और दोनों का डायमेंशन पहले से करके दिखाया है। एक जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका देखिए डायमेंशन क्लियर विजन है। आप उसका प्रिंट करेंगे तो डायमेंशन जितना है वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। और एक जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसका क्या है, स्केल जो है वो डायमेंशन जो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, क्लियर विजन नहीं है। अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो हो सकता है कि उसका डायमेंशन पता भी ना चले। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उसके डायमेंशन को, डायमेंशन स्केल को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए आप करते क्या थे कि डायमेंशन स्टाइल में जाते थे, यहाँ से न्यू में जाते थे, एक नया डायमेंशन स्टाइल बना करके फिट में जाके यहाँ से उसके स्केल को बढ़ा देते थे, फिर ओके करते थे और फिर सेट करेंट करके फिर से नया डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन करते थे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अभी जो मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ, माइनस डिम स्टाइल कमांड या अपडेट कमांड, इन दोनों कमांड की हेल्प से, ये दोनों कमांड एक ही है, इन दोनों के कमांड, ये दोनों कमांड की हेल्प से जो है आप किसी भी डायमेंशन के स्केल को विदाउट डायमेंशन स्टाइल चेंज किए आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट, टाइम वेस्ट किए बिना, कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन है जिसको यूज़ करना होगा, वो है डीम स्केल। डीम स्केल पहले आपको सेट करना होगा, डायमेंशन स्केल पहले सेट करना होगा। ये आपको याद रखना होगा कि डीम स्केल पहले लिखना है, डीम स्केल पहले पुट करना है। यहाँ पे मैसेज देर एंटर न्यू वैल्यू फॉर डीम स्केल, यहाँ से मैं 2 कर देता हूँ। अभी 0.5 था डिफ़ॉल्ट, जो इसका प्रेजेंट में जो था वो 0.5 था, अभी मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, कमांड में टाइप करना है माइनस डीम स्टाइल कमांड। माइनस डीम स्टाइल कमांड लिखने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, जो भी कमांड आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कमांड ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स दिए होते हैं, उन सेटिंग्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोकैड का सेटिंग होता है, सॉफ्टवेयर सेटिंग है, आपको उसी चीज़ को पढ़ना है जो आपके ड्राइंग बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो अभी इसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो है अप्लाई। अप्लाई दिख रहा है आपको, मैसेज दे रहा है अप्लाई। अप्लाई के लिए ए लिखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, मैसेज देगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उस डायमेंशन को सिलेक्ट करिए जिसका स्केल आपको बढ़ाना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए वो 3 हो गया, बाकी का चेंज नहीं हुआ। यही इसका फ़ायदा है, इस कमांड का फ़ायदा है, माइनस डीम स्टाइल कमांड का फ़ायदा है। अब आप क्या करते हैं,
अभी जो आपने माइनस डीम स्टाइल कमांड लिखा फिर अप्लाई किया तब जाकर के इसको यूज़ किए, एक शॉर्टकट तरीका है, आप डायमेंशन मेन्यू में आइए, डायमेंशन मेन्यू में आने के बाद अपडेट, यहाँ पे अपडेट ऑप्शन है, अपडेट कमांड है, इसको सेलेक्ट कीजिए, मैसेज डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, उस डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए जिसका स्केल बढ़ाना है और इंटर की प्रेस कीजिए। जैसे ही आप बढ़ाएंगे सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उस डायमेंशन का स्केल जो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उतना हो जाएगा जितना आपने डीम स्केल किया है। और एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो आप कोई भी डायमेंशन करेंगे तो वो उसी स्केल में बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो उसी स्केल में बनेगा, यही इसका फायदा है। और एक ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका डायमेंशन स्टाइल भी चेंज नहीं हुआ। डायमेंशन स्टाइल चेंज होने का मीन्स क्या हुआ, और जो डायमेंशन स्टाइल में जो सेटिंग है वो चेंज नहीं हुआ। विदाउट डायमेंशन स्टाइल चेंज किए, विदाउट टाइम वेस्ट किए, आप डायरेक्ट अपडेट ऑप्शन से, अपडेट कमांड से आप किसी भी डायमेंशन का स्केल बढ़ा घटा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, या एक लाइन ही मैं बनाता हूँ, इस लाइन का डायमेंशन अभी फ़िलहाल 6 है, और एक नीचे में एक लाइन और बनाता हूँ, इसका भी डायमेंशन मैं करता हूँ, इसका भी 6 ही दिखा रहा है, दोनों का 6 लिया है मैंने। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डीम स्केल लिखिए, और कमांड में यहाँ पे डीम स्केल यहाँ पे 1-2 है, इसको 1 कर दीजिए, 1 इसलिए कीजिए क्योंकि मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो अब क्या करना होगा, डीम स्केल सेट करने के बाद डायमेंशन में आना होगा, अपडेट में आना होगा, इसको सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे तो देखेंगे वो ऑटोमेटिक घट गया है। तो फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो डायमेंशन करते थे मगर उसका जो विज़न था वो क्लियर नहीं हो पाता था, तो वो परेशान हो जाते थे। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट भी डाला था कि उनका जो है डायमेंशन करने के बाद स्केल छोटा बड़ा हो जाता है, पता नहीं चल पाता है, उसको कैसे चेंज करें, कैसे सेट करें, प्लीज़ सर बताइए। तो फिलहाल ये कमांड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है, और तब तक ज़रूरी है जब तक आप AutoCAD में ड्राइंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ ये मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।